हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। होप थिंग इज फाइन एट योर एंड। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं डीजीओ मिनी 3 की एक अपडेट आई है और उस अपडेट को लेके काफ़ी लोग डरे हुए हैं या जानना चाहते हैं कि इस अपडेट के बाद उनका जो लॉक है, पहले 15 मीटर पे लग गया था जैसे पिछले वाले, जैसे आपको पता है सीन, वैसा सीन तो नहीं होगा मिनी 3 प्रो में। तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और इस अपडेट में क्या है, इस अपडेट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इसके अपडेट होने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये सारा का मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो, काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और जिस जिसके बाद मिनी 3 है या जो लेना चाहता है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में लेके आते हैं हम टेक, ड्रोन्स एंड सम टाइम हेल्थ टिप्स ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नई अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स, अब इस अपडेट में क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, इस अपडेट में ये है फ्रेंड्स कि इसमें, जैसे आपको पता है मिनी 3 में पोर्ट्रेट मोड है, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफ़ी लोग चाह रहे थे कि उनको ट्रैकिंग मिले, फोकस ट्रैकिंग मिले, क्विक शॉट्स मिले पोर्ट्रेट मोड में, तो वो पहले वाले अपडेट में नहीं था। तो इस अपडेट के बाद आपके में काफ़ी एडिशनल फीचर्स आ जाएंगे मिनी 3 प्रो में पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। तो पहला, जैसे हाइपरलैप्स हो गया, क्विक शॉट्स हो गए, सब अवेलेबल होंगे पोर्ट्रेट मोड, वो होता है जो इंस्टाग्राम में एक अपना नॉर्मल ऐसे होता है लैंडस्केप, ऐसे वाले में, ठीक है। मैं आपको क्लैरिटी बता रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट की ना बहुत डिमांड हो गई है शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम की रील्स में, तो जनता चाहती है कि इस फॉर्मेट में सीधा सीधा हमें चीज़ें मिले, ठीक है। तो इसकी डिमांड थी तो इसलिए उसमें उन्होंने फोकस ट्रैक भी डाल दिया, क्विक शॉट्स भी डाल दिए, जो क्विक शॉट्स जैसे ऑटोमेटिक शॉट्स होते हैं, तो ये सब आएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप ये देखना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि और क्या इसमें होने वाला है। इसके अलावा इसमें बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ, एक USB मोड इसमें ऑन कर दिया जाएगा जिसमें आपका फटाफट जो आपने फुटेज ली है वो आपके PC या लैपटॉप में जा पाएगी और इससे बैटरी की सेविंग होगी। एंड इसके अलावा हल्का हल्का हर एक चीज़ में उन्होंने जहाँ पर थोड़ा फास्ट कर दिया फोकस, थोड़ा ट्रैकिंग थोड़ी फास्ट मतलब एक्यूरेट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हर एक चीज़ में हुआ है। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ जिस चीज़ का लिए आप यहाँ तक अब तक बैठे हैं कि वो जो लॉक है 15 मीटर वाला तो नहीं लग जाएगा इस अपडेट के बाद, तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ नो। इसको करने के बाद आपका जो अल्टीट्यूड के ऊपर कोई लॉक नहीं है, जो पहले 120 मीटर तक ये जाता है वहाँ तक ये ज़रूर जाएगा। इसके ऊपर इसमें लॉक लगा हुआ है जिसे मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, 120 मीटर के ऊपर नहीं जाता। और इस कैटेगरी का ड्रोन और इस वेट का ड्रोन इस हाइट के ऊपर ले जाना भी बेवकूफ़ी होगा, ठीक है, और वैसे भी जाता भी नहीं है। और इस अपडेट के बाद ये जो आपका है ऐसा ही चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा कि आपका 15 मीटर पर लॉक लग जाएगा या बेकार हो जाएगा जैसे पहले कई जगह पर आ रही हैं गतिविधियाँ हो रही हैं और कई इस वजह से अपडेट भी नहीं कर रहे। तो आप बेधड़क अपना अपडेट करें फर्मवेयर को और बेधड़क ड्रोन को उड़ाएं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी ड्रोन को लेके जो एक दो चीज़ें और पूछ रहे थे लोग कि DJI का कुछ सीन है इंडिया में या नहीं, तो उसमें मैं अपडेट ले रहा हूँ। अभी आप भूल जाएं थोड़े दिनों के लिए कि DJI का इंडिया में कोई सीन बनेगा, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार जो है वो सीधा सीधा चाहती है कि अपने मेड इन इंडिया ड्रोन्स हर एक कैटेगरी में मतलब इंडिया में ही बने। अगर बाहर का भी कोई आ रहा है तो इंडिया से मैन्युफैक्चर रहा है, ये थिंकिंग है गवर्नमेंट के मन में और इसी थिंकिंग को लेके काफ़ी कुछ हो भी रहा है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो DJI आता है नहीं आता वो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं कहूँ तो नो, अभी आप हो जाओ एक दो साल तो, और उसके बाद जब अपना खुद का ही आपका इतना अच्छा सिस्टम बन जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि DJI को यहाँ आने की ज़रूरत भी पड़ेगी। और वो अलग बात है कि कोलैब हो जाए या कुछ हो जाए वो आगे की बात है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप नो मान के चलें, अभी कोई सीन नहीं है कि DJI यहाँ पर कोई स्टोर खोलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो ये क्विक सा अपडेट मैंने बनाया। बाकी इसके अलावा सोनी ZV-10 बहुत बढ़िया कैमरे पे आप देख रहे हैं, फुटेज बढ़िया आ रहा है, इसके ऊपर भी एक दो शॉट्स लोग कह रहे हैं कि बताओ स्लो मोशन एंड ऑल, वो भी इसमें मैं टैग के उसमें डालूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेधड़क अपडेट करें और अपना DJI Mini 3 Pro को बेधड़क उड़ाएं। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अब ये देखो मैं यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा हूँ फिर से कि जो ड्रोन्स DJI के स्पेशली जो आते हैं वो अलग अलग चैनल से अलग अलग तरह से अलग अलग क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। तो जिस जिस क्वांटिटी में जिस जिस तरह का
मार्जिन बचता है उस तरह से, हर एक को कमाना है पैसा, ठीक है ना। अब किसी को महंगा मिला तो वो थोड़ा महंगा ही देगा ना, ठीक है। किसी को 10 रुपए की चीज़ है, उसको अगर 15 रुपए की मिली है तो वो ऐसा नहीं है कि वो 9 रुपए की दे देगा, ठीक है ना। उसको मिली 15 की है तो वो 14-13 रुपए की देगा। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। तो कई लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इतने का मिल रहा है, वहाँ पर इतने का मिल रहा है, ये वेरिएबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो जैसे आता है ड्रोन DJI का उस हिसाब से आपको मालूम है। तो ये आप नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतना है वहाँ पर, ये अब आपका लक भी है और ये डिपेंडिंग ऑन द टाइम किस तरह से आया और किस जगह पर है, तो रेट्स वेरिएबल करते हैं, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल सस्ता चाहिए तो आप दुबई जाएँ या आप बाहर से डिसमेंटल करके लेकर आए, ठीक है। होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।